हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरसी बिलासपुर में जीडीसी की जो परीक्षा हुआ था उसका मैं ओरिजिनल पेपर आपके सामने लेकर आया हूँ। जीडीसी की परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया था उसका मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो आइए इस पेपर को आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा कैसा प्रश्न इसमें पूछा गया था। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम हुआ था 2 जनवरी 2022 को। एग्ज़ाम टाइम दिया है 15 बजे से 16:30 बजे। पोस्ट नेम है गुड्स गार्ड। गुड्स गार्ड की जो परीक्षा हुआ था उसका प्रश्न पेपर है। आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए पहला प्रश्न यह रीजनिंग का है। आप लोग इस प्रश्न को रोक करके अपने से बनाइएगा और आंसर मिला लीजिएगा। देखिए रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न है, श्रीमान और श्रीमती गोपाल की दो पुत्रियां है और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में सदस्य की संख्या बताएं। आगे बढ़ते हैं, मैं सिर्फ जीके के प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा, बाकी रीजनिंग मैथ के प्रश्न आप लोग रोक करके बनाइएगा। ये देखिए रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए जीके का प्रश्न आ गया। प्रश्न है, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आगे प्रश्न देखिए, यह रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न, त्रिभुज का संबंध अष्टभुज से है तो आयत का संबंध किससे है? तो आयत का संबंध अष्टभुज से होगा। आयत का संबंध अष्टभुज से होगा। दोस्तों मैं इसको बंद कर दिया हूँ। आगे देखिए रीजनिंग का प्रश्न है। आगे आप लोग देखते जाइए, स्वतंत्र दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? आप लोग देखते जाइएगा, बाबूराम सिंह। आगे देखिए यह भी रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए आप लोग इसको रोक कर जरूर बनाइएगा। मैं सिर्फ जीके का प्रश्न यहाँ बताऊंगा। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह चिनाब नदी पर होगा इसका आंसर। देखिए जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? इसका होगा मिराई तोबा होगा। आगे देखिए यह रीजनिंग का प्रश्न है। यह अभी मैथ का प्रश्न आप लोग बनाइएगा इसको। आगे देखिए जीके का प्रश्न आ गया, एलईडी का आविष्कार किसने किया था? एलईडी का आविष्कार किसने किया था? इसका प्रश्न है निक होलान्याक। देखिए चार एक प्रकार से समान है और एक असंगत है, इसका बताइए। इसका विद्यार्थी आंसर दिया है। अगला रीजनिंग का प्रश्न है। अगर देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। आगे देखिए यह भी रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए लेखक का संबंध कलम से है, उसी प्रकार शल्य चिकित्सा का संबंध निस्तर से। अगर देखिए 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहाँ आयोजित होगा? तो फ्रांस पेरिस में होगा। यह देखिए रीजनिंग का प्रश्न है सीरीज का। देखिए भारत के सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? तो इसका आंसर होगा चमोली उत्तराखंड। भारत का मानक मध्याह्न रेखा है 82 डिग्री पूर्वी रेखांश। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? आंसर होगा लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाती है।
एक रीजनिंग का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप लोग बनाइएगा इसको। रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका आंसर होगा तार के वृक्ष के आगे बाघ, तार के वृक्ष के आगे बाघ। रीजनिंग का प्रश्न है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को प्रदान किया गया। यह भी रीजनिंग का प्रश्न है। यह भी टखना घुटना तो कलाई का संबंध कोहनी होगा, टखना घुटना तो कलाई का संबंध कोहनी से होगा। यह भी रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए एक एक असंगत है, बाकी सभी संगत है, तो असंगत को पहचानना है, तो इसमें आंसर होगा, आंसर क्या होगा, कोयला। देखिए कॉन्ट्रैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? आंसर है एडोल्फ गास्टन इजुएन फिक। भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। निमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है जो किस प्रकार के जीवाणु द्वारा फैलाया जाता है? कोकई। रीजनिंग का प्रश्न है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह तो बहुत पॉपुलर प्रश्न है, उत्तराखंड में है। आप जानते होइएगा कि रीजनिंग का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन के रीजनिंग का प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी रीजनिंग का है, यह भी रीजनिंग का है। आप लोग इसको रोक, वीडियो को रोक कर जरूर बनाइएगा रीजनिंग का प्रश्न। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाने जाते हैं? भारत का बिस्मार्क। ये रीजनिंग का प्रश्न है, रैंकिंग टेस्ट से, यह भी रीजनिंग का है। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? संपदा कर। रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए आप लोग भी इसको रोक कर जरूर बनाइएगा। देखिए बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री, हिमाद्री है। रीजनिंग का प्रश्न। वर्ष 2021 के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए और बी दोनों, मारिया रेसा, दमित्री मुराटोव। 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? भारत द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी उनका अध्यक्षता किए थे ब्रिक्स सम्मेलन का। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। यह रीजनिंग का प्रश्न, यह भी रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए दोस्तों, देखिए यह भी रीजनिंग का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है यह। इसको देखिए, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव से क्या आशय है? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव से क्या आशय है? तो पृथ्वी के ऊपरी सतह द्वारा सूर्य ऊर्जा को कैद कर लिया जाता है। पृथ्वी के ऊपरी सतह द्वारा सूर्य ऊर्जा को कैद कर लिया जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो ए और बी दोनों होगा, फिरदौस काद मोहम्मद अमजद साकिब। ए और बी दोनों होगा, फिरदौसी काद मोहम्मद अहमद साकिब। देखिए यह भी रीजनिंग का प्रश्न है, डायरेक्शन का।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? तो आंसर होगा 70। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक दी लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई थी? जयराम रमेश द्वारा। अब देखिए, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर ने। ठंडे को रेफ्रिजरेटर के साथ वही संबंध है जो गर्म का डॉट डॉट से है? ओवन से। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स के, इसीलिए यह भी रीजनिंग का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का। आप लोग वीडियो को रोक करके इसको बनाइएगा और अपना आंसर बताइएगा। राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र अगर देना चाहे तो वह किसे देगा? राष्ट्रपति विषम चुने, इसमें विषम चांदी सोना तांबा कांसा विषम होगा। निम्नलिखित में किसको कार्बोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल को। निम्नलिखित में किसे कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल को। यह देखिए, यह दोस्त बिजली का प्रश्न है, कथन निष्कर्ष का। देखिए, यह बिजली का प्रश्न है, यह भी रीजनिंग का प्रश्न है। आप लोग वीडियो रोक कर जरूर बनाइएगा। यहाँ से मैथ का प्रश्न शुरू है। दोस्तों, अभी मैथ का प्रश्न है। भुजा को 70% काम कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कमी होगा? यह भी देखिए कौन सा संबंधित नहीं है। एक संख्या में 40% वृद्धि की जाती है फिर 25% की कमी की जाती है, संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि बताइए, वृद्धि या कमी बताइए। देखिए, पी का अर्थ गुना, आर का अर्थ घटाओ, एस का अर्थ जोड़, क्यू का अर्थ भाग, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? मैथ का प्रश्न है, आप लोग जरूर बनाइएगा, सभी को आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, लसा मसा का प्रश्न है। अभी मैथ का प्रश्न है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 326 तथा 5053 को विभाजित करने पर 11 और 13 शेष बचे 45। देखिए, यह भी मैथ का लंबा प्रश्न है। पहले प्रश्न देखिए, उसके बाद आंसर दिखाता हूँ। एक वर्ग का विकर्ण 289 वर्ग सेमी है, सॉरी, एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 वर्ग सेमी है तो इसका विकर्ण बताइए 17√80। अभी देखिए मैथ का प्रश्न है, अभी देखिए मैथ का प्रश्न है। अभी देखिए 12 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, साधारण प्रश्न है। रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल लगा दीजिए। यह अभी देखिए बीजगणित का प्रश्न है, साधारण सा प्रश्न। देखिए मैथ का प्रश्न, यह भी मैथ का प्रश्न है। आप लोग पढ़ करके इसको बनाइएगा वीडियो रोक करके। आगे बढ़ते, यह भी देखिए मैथ का प्रश्न है।
या भी यहाँ से दोस्तों मैथ का प्रश्न है। यह भी मैथ का प्रश्न है। यह भी देखिए मैथ का प्रश्न है, मेंसुरेशन का है। इसे देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड सूत्र पर बैठा देना है, इसको आंसर आ जाएगा। एक्स वाई जेड का मान ऊपर दिया है, याद देखिए साधारण प्रश्न है, आप लोग बनाइएगा। या देखते वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो छः आठ एवं पंद्रह से विभाज्य हो, पैंतालीस हो। देखिए एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं की पांचवटी हो जाती है, यदि ब्याज की दर 16% हो तो वह निश्चित समय ज्ञात कीजिए 25 वर्ष। एक इस काम को 27 दिन में कर सकता है, बी ए द्वारा लिए गए समय के एक तिहाई समय में कर सकता है, दोनों में से 6 काम का कितना भाग समाप्त करेगा, आप लोग बनाइएगा इसको रोक कर। बहुत अच्छा प्रश्न है समय कार्य चैप्टर का। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न, कौन सी संख्या 9 तथा 11 से विभाज्य है, 99 प्रश्न। यदि किसी धनराशि पर 10% की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया है तो धन राशि ज्ञात करना। साधारण प्रश्न है, डी बराबर पी आर एस द्वारा मैं 100 प्लस का इंटू 300 प्लस आर बाई 100 फॉर्मूला पर बता दीजिए। लास्ट प्रश्न, पहले में गणित एवं संख्यांकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात 4:3 है, जबकि गणित की 12 नई पुस्तकें खरीदी जाती है अनुपात 5:3 हो जाती है। गणित के पुस्तकों का आरंभिक संख्या बताइए, निकालना है दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा बन गया, करीब 17 मिनट का। मैंने आपको आरएस बिलासपुर जीडीसी की परीक्षा जो 2 जनवरी 2022 को हुआ था और उसमें जो ओरिजिनल पेपर पूछा गया था वो सभी पेपर मैंने आपको बताया है। गुड्स गार्ड का पेपर है दोस्तों। अगले वीडियो में मैं स्टेशन मास्टर के पेपर आप लोग को दिखाऊंगा कि उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे हैं। तो दोस्तों वीडियो को कर दीजिए शेयर, और इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।